गाइस आपका स्वागत है आपके अपने चैनल टॉप शेयर टुडे में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एनसीसी लिमिटेड से स्टॉक के अंदर आज के दिन 15 रुपए की गिरावट देखने को मिली है और ये स्टॉक 5.5% से भी ऊपर की गिरावट दिखाता हुआ नजर आ रहा है। स्टॉक करंट लेवल पर 243 रुपए 90 पैसे पर ट्रेड कर रहा है। हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि इस स्टॉक में फ्यूचर में क्या टारगेट बनते हुए नजर आ रहे हैं और हमें स्टॉप लॉस कहाँ पर ट्रेड करके रखना चाहिए। स्टॉक का चार्ट पैटर्न देखें तो इसे स्टॉक में एक डबल टॉप बॉटम बनता हुआ नजर आया 264 रुपीज पर। 264 रुपीज पर स्टॉक के अंदर एक डबल टॉप बॉटम बना। ऊपरी लेवल पर स्टॉक में एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है जहां पर स्टॉक का नीचे का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है 240 रुपीज का। 240 रुपीज का आज के दिन भी स्टॉक ने लो बनाएगा और यहाँ से स्टॉक के अंदर एक रिकवरी आती हुई नजर आई। तो अगर आप इस स्टॉक में एक पोजिशन बनाना चाहते हैं तो 240 रुपीज का नीचे का एक स्टॉप लॉस रखें। ऊपर के टारगेट अराउंड 275 रुपीज के लिए आप इस स्टॉक को होल्ड करके रख सकते हैं। स्टॉक अगर 240 रुपीज के प्राइस को ब्रेक डाउन देता है तो स्टॉक का दूसरा सपोर्ट लेवल 226 रुपीज के एवरेज में देखने को मिलेगा। इसलिए आप इस एक स्टॉप लॉस के साथ ही पोजिशन बनाए। ऊपर में स्टॉक में जब भी तेजी बनती हुई नजर आएगी जब स्टॉक 264 रुपीज के प्राइस को ब्रेकआउट देकर एक क्लोजिंग ले लेता है तो वहां पर स्टॉक में एक बड़ी तेजी बनती हुई नजर आएगी। पर जब तक स्टॉक इस प्राइस से नीचे रहता है ऊपरी लेवल पर स्टॉक में एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा। ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें।